हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आज हम स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज ए, जिसके अंदर क्या है, प्रपोजल दिया गया है, प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। तो प्रपोजल होता क्या है, ठीक है, और एक प्रपोजल कैसे बनता है, और जो प्रपोजल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, और जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, किस नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2 क्लोज ए के अंदर क्या है जो प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। जब एक प्रपोजल बनता है तभी तो हमारा आगे जाके क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर प्रपोजल ही नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो जो हमारा बेसिक है वह प्रपोजल ही है, प्रपोजल से ही स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस। तो देख लेते हैं, चलिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, जब कोई भी व्यक्ति, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यह बताता है कि अपनी इच्छा को जाहिर करता है, मैं यह काम करना चाहता हूँ। मान लिया कोई भी व्यक्ति है, वह अपना घर बेचना चाहता है, तो वह दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल यानी ऑफर देता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ इतने रुपए में, ठीक है। और टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर उस व्यक्ति को किसी चीज के लिए करने से रोकता है, इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मेनली बनते हैं, जैसे दो एक शॉप का किसी ने जो लेबल है उसका परचेज कर लिया, ठीक है, जिस शॉपकीपर का पहले था वो लेबल वह उसे दोबारा नहीं लगा सकता है, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं, तब उसे रोका जा सकता है। तो यह लाइन उनके लिए है। तो विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और डेस्टिनेंस, वह प्रपोजल रखता है उसकी एसेंट लेने के लिए, यानी कि उसको एक्सेप्टेंस लेने के लिए उसके सामने प्रपोजल रखता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप इस घर को खरीदना चाहते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रपोजल। जो व्यक्ति प्रपोजल बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर या फिर ऑफरर। जिस व्यक्ति ने प्रपोजल बनाया वह क्या कहलाएगा, प्रोमिसर या फिर ऑफर देने वाला। और सेकंड थिंग आती है फिर, द पर्सन हुम इट इज मेड इज प्रपोजी, किस कौन होगा प्रपोजी, प्रपोजी वह व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के लिए वह प्रपोजल बनाया गया है, ठीक है, और उसे हम ऑफरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रपोजल। तो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट रहेगा हमारा जनरल ऑफर, जनरल ऑफर विच इज नॉट मेड टू ए डेफिनेट पर्सन बट टू द वर्ल्ड एट लार्ज और पब्लिक इन जनरल, इट मे बी एक्सेप्टेड बाय द एनी पर्सन बाय फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विच इज नॉट, यानी कि स्पेशल किसी भी एक व्यक्ति के लिए जो ऑफर न हो, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर या फिर जैसे पब्लिक के अंदर पब्लिक ऑफर हो गया, उसे पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हैं हम जनरल ऑफर को, तो सबके लिए जो ऑफर दिया गया है, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट दे दी जॉब के रिगार्डिंग कि भाई जॉब रहेगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी कि किसी के जॉब है वो ग्रेजुएशन बेस पे है, तो ग्रेजुएशन की हुई है जिस व्यक्ति ने, वही व्यक्ति उस जॉब के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो वह क्या हो गया, पब्लिक ऑफर हो गया, यानी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं था, पब्लिक ऑफर हो गया, पब्लिक को दे दिया गया था, ठीक है। या फिर इस तरह का बोल सकते हैं हम, किसी कोई भी है गेम हो गया, गेम के अंदर ऑफर दे दिया गया किसी भी व्यक्ति को कि अगर आप इस गेम के अंदर ये टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको ये जो है इनाम मिलेगा, ठीक है, प्राइज मिलेगा। तो वो भी क्या हो गया, पब्लिक ऑफर हो गया, जो उस व्यक्ति उसके अंदर जीतेगा वह क्या होगा, जो प्राइज मिलेगा वो क्या होगा, उसका इनाम होगा। वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलीगल होते हैं, कभी आप सोचो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल होते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं हम, अगर एक्सेप्टेड किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वह क्या हो जाता है, एक जनरल ऑफर होता है। अब सेकेंड थिंग है कि एक केस भी आया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा एक क्या था, जनरल ऑफर का केस भी था जो बहुत ही फेमस केस है। कौन सा केस था वह, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी, जिसके अंदर क्या हुआ था, इन्फ्लुएंजा का केस था कि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा था, ठीक है, उन्होंने जो अपने एक कंपनी ने मेडिसिन निकाल दी और उसके अंदर क्या कर दिया कि
ये कंडीशन डाल दी कि जो भी व्यक्ति हमारी इस मेडिसिन को यूज करेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और क्या कर दिया कि अगर हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, हम 100 पाउंड देंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, जो उसको मेडिसिन को परचेज किया, परचेज करने के बाद उनकी जो कंडीशंस थी जिसके अकॉर्डिंग उसे लेनी चाहिए थी, यानी कि सुबह दोपहर शाम जिस टाइम भी वह ले सकता था, उनके प्रॉपर तरीके से उसने वह मेडिसिन का यूज किया, लेकिन यूज करने के बाद भी उसको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तब उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि कहा कि आप लोगों ने यह बोला था कि अगर आप हमारी मेडिसिन यूज करोगे तो आपको क्या है, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा लाइफ में कभी भी, लेकिन क्या हो गया, उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो क्या कंपनी की लाइबिलिटी बनती है कि वह उसे 100 पाउंड पे करे कंपनसेशन के तौर पे। सेकंड हमारा है स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि किसी एक व्यक्ति, स्पेसिफिक वर्ड से ही आपको पता चल गया कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो ऑफर बनता है वह क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। एन ऑफर मेड टू ए डेफिनेट पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, जिस व्यक्ति को आप बेचना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ उसी के लिए जो ऑफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय सच पर्सन और पर्संस। जो ऑफर क्या होगा, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकेगा जिस व्यक्ति को दिया है, या दो व्यक्ति को दिया है आपने, यानी कि दो पार्टीज है जो मिलके कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उनको ऑफर दिया है, तो उन वही पार्टी जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, जो या फिर जो जिस व्यक्ति को आपने ऑफर दिया है वही बंदा उस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑफर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए है, ए बी को क्या करता है, ऑफर देता है, ठीक है, वह अपनी घड़ी बेचेगा उसको कितने रुपए में, 200 रुपीज के अंदर, ठीक है। ये तो यह स्पेशल ऑफर किसके लिए है, ओनली बी के लिए। ओनली फॉर बी, अगर बी इसकी एक्सेप्टेंस देता है तब क्या होगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, ठीक है। तो यह ऑफर सिर्फ बी के लिए रहेगा, कोई थर्ड पर्सन आके ये नहीं बोल सकता कि ठीक है आप मुझे दे दो ये वॉच, मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो यह उनका स्पेसिफिक ऑफर हो गया। अब बात करते हैं हम काउंटर ऑफर की, बात करें तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ओरिजिनल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर के अंदर क्या कर देना, कोई भी चेंज कर देना। था ओरिजिनल ऑफर वाज रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद अनदर वन, जो ओरिजिनल ऑफर दिया था उसको क्या कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना या उसके अंदर चेंज कर देना और एक नया ऑफर बना देना, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। यानी उसी व्यक्ति को ऑफर दे देना जिस व्यक्ति ने फर्स्ट में ऑफर दिया था। तो अब ओरिजिनल ऑफर को चेंज करना यानी मॉडिफिकेशन करना कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा जैसे किसी भी व्यक्ति ने क्या बोला कि मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूं, अगर आप बाइक परचेज करना चाहते हैं तो बता दीजिए मैं अपनी बाइक 15,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड पार्टी थी, ठीक है, सेकंड पार्टी थी, उसने क्या बोला कि मैं ये बाइक तो खरीद लूंगा लेकिन 15,000 रुपये नहीं दूंगा, इसके सिर्फ मैं आपको क्या दूंगा, 12,000 रुपये दूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टी है, पार्टी ये बोलती है मैं इस बाइक की क्या दूंगी, 12,000 रुपए दूंगा। लेकिन क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्टी थी यानी कि ए था, ए ने क्या किया, बी को बोला कि ठीक है आप यह बाइक ले लीजिए, मैं आपको यह बाइक दे दूंगा 12,000 रुपए में। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो ऑफर क्या था, ए का ऑफर था, वह क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो बी ने ऑफर दिया, काउंटर ऑफर किया, उसे वह ए ने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बाइक बी को सेल कर दी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। जो काउंटर ऑफर होता है वह क्या करता है, जो ओरिजिनल ऑफरर होता है उसको क्या है, 3 ऑप्शन देती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर, या तो वो एक्सेप्ट कर ले काउंटर ऑफर को, यानी कि बी ने जो ऑफर दिया था 12,000 रुपए का, मैं बाइक खरीदूंगा आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, उसे एक्सेप्ट कर ले, या फिर उसे रिजेक्ट कर दे कि नहीं मैं 15,000 रुपये में ही बाइक दूंगा, आपको अगर लेनी है तो ले लीजिए,
अदरवाइज मैं बाइक को सेल नहीं करूंगा। अब थर्ड है हमारा और मेक अनदर ऑफर, या फिर वो कोई अन्य ऑफर बना ले, ठीक है। यानी कि ए ने तो बोला मैं 15,000 में सेल करूंगा, बी बोल रहा है मैं 12,000 में परचेज करूंगा, तो दोनों ही क्या करते हैं, एक अनदर ऑफर बना लेते हैं कि ये डिसीजन लेते हैं कि हम इसे क्या करते हैं, आप इसे 14,000 रुपये में ले लीजिए, ना आपका रहेगा और ना हमारा, तो वह क्या हो गया, एक अनदर ऑफर बन गया। तो अब बात करते हैं हम ऑफर की। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि जब बोथ पार्टी स्टेट टू ईच अदर सेम प्रपोजल, यानी कि दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या करती है, सेम प्रपोजल दे देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर। मान लो ए और बी दो पार्टीज है, ठीक है। ए ने क्या बोला, मैं अपना घर है जो वो सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अपना घर जो सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, एक पोस्ट कर दिया लेटर लिख के, ठीक है। तो वह लेटर क्या हो गया, बी के पास नहीं पहुंचा, वह लेटर बी के पास नहीं पहुंचा, रास्ते में ही था, ठीक है। तो बी ने क्या किया, एक लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया ए के नाम पे कि वह उसका घर है जो परचेज करना चाहता है। जो ए का घर है वह परचेज करना चाहता है। तब क्या होगा कि जब यहाँ पर इसकी क्या हुआ, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई थी, तो ना ही इसके कम्युनिकेशन में आता, यानी कि उसको पता ही नहीं था कि ए ने कोई ऑफर दिया है। तो इसने भी क्या कर दिया, सेम ऑफर इसको ए को दे दिया कि वह उसका घर खरीदना चाहता है। जैसे ही इसके पास, यानी कि ए के पास बी का लेटर पहुंचेगा, ठीक है, और बी एक्सेप्टेंस दे देगा अपनी कि ठीक है, क्योंकि इसने तो भेजना ही है घर, ठीक है, इसने ये लेटर तो भेज ही रखा है, बट इसने भी ऑफर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका लेटर पहले पहुंचता है, तो ये जो ए है ये एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑफरर, ठीक है, प्रोमिसर जो ऑफर देने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, ऑफरी हो जाएगा। अगर ये ए का जो लेटर है बी के पास पहुंच जाता है और यह एक्सेप्टेंस दे देता है बी, तब क्या होगा, बी हो जाएगा एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी, और ए हो जाएगा प्रोमिसर यानी कि प्रपोजल देने वाला, ठीक है, ऑफरर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जनरली दोनों एक दूसरे को दे देते हैं ऑफर, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सेप्टर होगा यानी कि एक्सेप्टर वही माना जाएगा जो पहले एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, और जिसका जिसका प्रपोजल पहले पहुंचेगा वो क्या माना जाएगा, अगर ये इसके प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देता है तो ए माना जाएगा ऑफरर यानी कि प्रोमिसर। तो अब बात करते हैं हम स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर कैसे ऑफर होते हैं, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो डेली रूटीन में होते हैं वही एग्रीमेंट होते हैं दो पार्टीज के बीच में। जैसे कि न्यूज़पेपर बॉय हो गया, उसका डेली का काम क्या है, वह रेगुलर क्या करेगा, न्यूज़पेपर सप्लाई करेगा। तो उसी तरह देख लेते हैं डेफिनेशन, इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए सप्लायर एंड बायर वेयर सप्लाइड एग्रीज टू प्रोवाइड द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज टू द सप्लायर एज एंड आस्क्ड व्हेन प्रीडिटरमाइंड प्राइस। यानी कि क्या इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्रीमेंट बनता है दो पार्टी और जो कौन है सप्लायर, सप्लायर के बीच में क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट है वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या हो जाता है कि लेट भी हो सकता है, वो उसे शू फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि डेली रूटीन का वर्क हो गया उनका वो, ठीक है। एग्जाम्पल मीन्स ऑफर तो हम क्या करते हैं, एक बार ही देते हैं, लेकिन उसकी जो एक्सेप्टेंस क्या होती है, डेली रूटीन में चलती रहती है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन उसका होता है, जब एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है एक टाइम के, भाई उतने टाइम तक मैंने एक्सेप्टेंस देनी है, यानी न्यूज़पेपर वाले को बोल रखा है कि 1 महीने तक न्यूज़पेपर डालने, उसके बाद नहीं डालने, तो वहां पे क्या हो जाती है एक्सेप्टेंस, और जो हमारा ऑफर है वह खत्म हो जाता है, यानी एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से क्या होता है, हमें उसको स्टैंडिंग ऑफर देना पड़ता है। तो इस तरह के जो ऑफर है वो डेली रूटीन लाइफ में चलते रहते हैं। एक्सप्रेस्ड ऑफर, एक्सप्रेस्ड ऑफर कौन से ऑफर होते हैं, एन ऑफर अकम्प्लिश्ड थ्रू वर्ड्स, यानी कि शब्दों के द्वारा, कैन बी रिटन या फिर लिखित में या फिर ओरल, ठीक है। हम जैसे टेलीफोन पे किसी को बोल देते हैं कि हाँ आप हमारा घर खरीदना चाहते हो, या फिर बोल देते हैं कि आपको बाइक खरीदनी है फोन के द्वारा, ये क्या हो गया, एक ओरल ऑफर हो गया, ठीक है। और थ्रू एडवर्टाइजमेंट और ईमेल, तो रिटर्न में क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं, हम ये बिल्डिंग
जो है बेचना चाहते हैं या बाइक बेचना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई अन्य ऑफर दे देते हैं, या फिर किसी को मेल करके बोलते हैं कि अगर आपको यह घर परचेज करना है, स्पेसिफिक पर्सन को हम मेल करते हैं कि हम यह घर इतने रुपए में बेच रहे हैं, अगर आप परचेज कराना चाहते हैं तो बता दीजिए। इम्प्लाइड ऑफर की बात करते हैं तो इम्प्लाइड ऑफर सर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के अलावा जो हम एक्ट करते हैं उसके द्वारा जो ऑफर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइड ऑफर। यानी कि आप मान लो रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बोलते हो कि मुझे वहां का टिकट चाहिए और आपको पता है कि कितने पैसे लगेंगे, उसको आप पैसे दे देते हो, उसको 100 रुपये देते हो, बोलते हो कि मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए, तो वह आपको दिल्ली का टिकट काट के दे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। या फिर टैक्सी वाले के साथ जो ऑफर करते हैं हम, ठीक है, यानी आपको डेली पता है रूटीन में आप डेली जाते हो कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो आप उसको टैक्सी वाले को बोलते हो कि मुझे वहां पर ले चल, और आप मान लिया वहां का रेंट 20 रुपए है, तो आप चुपचाप उसे कह रहे हैं 20 रुपए निकाल के दे देते हो जब आप टैक्सी से उतरते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता देना अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देना। थैंक यू।